जय हिंद मेरे दोस्तों। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है 7 एक्सटर्नल सर्कलिप के लिए। दरअसल मैं सर्कलिप से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो वैसे तो देखा जाए सर्कलिप में काफ़ी सारे साइज हैं, लेकिन यदि मैं हर साइज की वीडियो यदि एक एक ही वीडियो में डाल दूँ तो वीडियो शायद मेरे को लगता है 7-8 घंटे की हो जाएगी, और 7-8 घंटे की वीडियो कोई देखना पसंद भी नहीं करेगा। और किसी को जैसे कि 10 mm, 12 mm या 20 mm, 25 mm किसी भी साइज के सर्कलिप की अगर वीडियो देखनी है तो वो देख नहीं पाएगा यार, कहाँ होगी कहाँ नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हर एक एक हिस्से की, हर एक एक पार्ट की मैं अलग अलग वीडियो बना दूँ। वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी और देखने में भी आसानी होगी। तो इस हिसाब से मैंने क्या किया कि हर एक एक पार्ट की, सर्कलिप में जितने भी पार्ट हैं सबके अलग अलग एक वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्सटर्नल पीस सर्कलिप में 7 mm। 7 mm का जो सर्कलिप होता है ना, तो उसके हर पार्ट के बारे में मैं बताऊंगा, उसके नाप तोल, अंदर की आईडी ओडी कितनी होती है, लक्स कितने होते हैं, उसकी नाप तोल कितनी होती है, हर तरीके से आज मैं बतलाऊंगा। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, मैं सर्कलिप मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करता हूँ। सर्कलिप की जो एजुकेशन है वो तो मैं देता ही हूँ, जितने भी अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई वगैरह में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है ये। और जो लोग इससे रिलेटेड बिजनेस भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मेरा जो आज का जो टॉपिक है 7 mm, यानी कि 7 mm एक्सटर्नल सर्कलिप का जो मेरा आज का जो टॉपिक है वो 7 mm का है। और मैं दूसरे साइज पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। मैं पहले बता दूं, एक सर्कलिप पार्ट के 6 हिस्से होते हैं, यानी 6 हिस्से होते हैं। 6 भागों में इसको बांटा गया, और 6 भागों की हर एक एक पार्ट की डायमेंशन हर सर्कलिप की अलग अलग होती है, क्योंकि तो जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता चला जाता है उसकी जो ड्राइंग है उसके साइज है वो भी बढ़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन लोगों को मालूम, काफी लोग परेशान रहते हैं यार इस शाफ्ट के लिए हमें किस साइज का सर्कलिप चाहिए, उसकी ओडी आईडी कितनी होनी चाहिए, लक्स कितनी होनी चाहिए, तो हर चीज जानकारी होना जरूरी है ना। तो उस हिसाब से मैं हर चार्ट का एक अलग वीडियो इसलिए मैंने बना दिया। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी एक्सटर्नल सर्कलिप है ना, एक्सटर्नल सर्कलिप हमेशा शाफ्ट पे यूज होते हैं, कोई भी मशीन की शाफ्ट है उस वगैरह पे लगते हैं, तो उसके अंदर पहले से ग्रुप बना हुआ होता है इस तरीके से। ये कोई किसी भी मशीन के आप इसे शाफ्ट वगैरह मान सकते हो, ये इसका ग्रुप है, ये इसका खांचा है। इसका खांचा है, इस खांचे में ये लॉक फिट हो जाता है। तो आज हम जो मेरी चर्चा है वो 7 mm के ऊपर है। तो दोस्तों 7 mm सबसे पहले मैं बात करूंगा वो है मेरी थिकनेस, यानी कि इस सर्कलिप की थिकनेस कितनी होती है, यानी कि इस सर्कलिप की मोटाई कितनी होती है। ध्यान रखना हर सर्कलिप की, हर पार्ट की अलग अलग थिकनेस होती है, ऐसा नहीं कि सभी की एक ही थिकनेस होती है, नहीं ऐसा नहीं। तो अब मैं जो थिकनेस है, जो अब इसकी थिकनेस कितनी होगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 7 mm के जो सर्कलिप की जो थिकनेस होगी वो होगी अपनी 0.80। जो अपना 7 mm का जो सर्कलिप है इसकी जो थिकनेस होगी ये होगी 0.80, ये ध्यान रखना। क्योंकि तो जो इसकी मोटाई होगी ना, वो जो ये खांचा जो बना हुआ होता है शाफ्ट में, ये इस खांचे में इस जो इसकी थिकनेस होगी वो उसी के हिसाब से बैठेगा। अगर इसकी थिकनेस अगर 0.80 है तो तकरीबन इसकी चौड़ाई, ये ग्रुप की चौड़ाई वो तकरीबन 0.90 होगी, ध्यान रखना ये चीज़। इसके हिसाब से ये बैठेगा, इसके अंदर बराबर होगी तो नहीं बैठेगी। अब जो जो इसका दूसरा जो पॉइंट है
वो है इसकी आईडी। एक चीज, एक्शनल सर्कलिप में हमेशा आईडी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक्शनल सर्कलिप हमेशा आईडी पे ही वर्क करते हैं। आईडी अगर ठीक है तो सर्कलिप प्रॉपर बढ़िया काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। क्योंकि एक्शनल सर्कलिप आईडी के लिए और इंटरनल सर्कलिप ओडी के लिए हमेशा काम करते हैं। आईडी यानी कि इसका इंटरनल डाया, जो अंदर का जो घेर है ना, ये इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की जो इसकी जो चौड़ाई है, इसको हम बोलते हैं आईडी। और आईडी पे ही हमेशा एक्सटर्नल सर्कल वर्क करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आईडी ही इसकी महत्वपूर्ण होती है। अगर इसकी आईडी प्रॉपर ठीक है तो ये किसी भी सॉफ्टवेयर में अच्छे से लॉक हो जाएगा, काम अच्छा करेगा। तो अब इसकी जो आईडी है, वो आईडी बनती है अपनी 6.5 mm। ये 6.5 mm इसकी जो आईडी है। अब आप बात करोगे कि इसको फिर हम 7 mm क्यों बोलते हैं और इसकी आईडी 6.5 mm क्यों है। इसकी आईडी जबकि 7 mm होनी चाहिए, 7 mm का लॉक है। तो मैं आपको बता दूं, 7 mm तो इस शाफ्ट की मोटाई होगी, ध्यान रखना इस शाफ्ट की जो मोटाई है वो 7 mm होगी। अगर ये 7 mm की शाफ्ट पे अगर इसकी आईडी हम 7 mm रख देंगे तो ये क्या लूज रह जाएगा, उसमें निकल जाएगा। तो इसलिए हमेशा इसकी आईडी जो होती है ना, थोड़ी डाउन होती है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड है, जो आईएस स्टैंडर्ड है ना, आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, मतलब अपने हिसाब से हम लोग जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हैं। पूरे वर्ल्ड में ना आईएस स्टैंडर्ड होता है सर्कलिप का। जो जो मैं जो चार्ट बता रहा हूँ, ये आईएस स्टैंडर्ड है, अपना खुद का चार्ट नहीं है। इसी के हिसाब से सारे वर्ल्ड के अंदर सर्कलिप ड्रॉइंग किए जाते हैं। अपना कुछ कोई अलग मेथड नहीं है इसका। तो हमेशा हमें वही फॉलो करना चाहिए जो इसका आईएस स्टैंडर्ड है। तो 7 mm का जो आईएस स्टैंडर्ड है, इसकी जो आईडी है वो बनती है 6.5 mm। तो इस तरीके से आपको इसके दो पॉइंट आपको मालूम चल गया होगा कि पहला पॉइंट जो अपना है वो थिकनेस, दूसरा पॉइंट है इसकी आईडी। अब तीसरा पॉइंट बात आती है इसकी लक्स, जो आप ये बात देख रहे हो, ध्यान रखना लक्स की भी चौड़ाई है ना सर्कलिप के हिसाब से ही रखी जाती है। ऐसा नहीं कि सर्कलिप छोटा है तो इसके लक्स बड़े कर दो, नहीं। क्योंकि तो जहां भी ये लगना होगा ना, तो उसके हिसाब से ही इसके लक्स की भी चौड़ाई रखी जाती है। क्योंकि तो लक्स की चौड़ाई इसके हुल पे डिपेंड करती है, तो इसलिए इसके लक्स को भी एक स्टैंडर्ड रूप दे दिया कि हाँ इसके लक्स की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। तो अब इसके लक्स की जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, अब कितनी होनी चाहिए लक्स की जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए अपनी 3.1 mm। कितनी? 3.1 mm इसकी जो चौड़ाई है वो 3.1 mm रहती है। ऐसा नहीं बढ़ा के छोटा कर दो, बड़ा कर दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो है एक्चुअल जो स्टैंडर्ड है, जो आईएस स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से इसकी जो चौड़ाई है वो 3.1 mm ही रखी जाती है। अब दोस्तों इसका जो चौथा पॉइंट है वो है इसकी बैक, यानी कि ये ध्यान रखना हर सर्कलिप की जो बैक होती है ना वो चौड़ी होती है। अपने ऊपर के जो हिस्से से है ना, हमेशा चौड़ी मिलेगी, तभी ये अच्छे से स्प्रिंग की तरफ वर्क करेगा। तो इसकी जो बैक है ना, वो बैक कितनी होनी चाहिए 7 mm सर्कलिप की। हमेशा 7 mm सर्कलिप की जो बैक है ना वो 1.4 mm, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है वो होती है अपनी 1.4 mm। और इसे हम पतला भी नहीं कर सकते, अगर पतला कर दिया तो भी ये लॉक खराब है। ये अगर इसको 1.3 कर दिया या 1.5 कर दिया, नहीं, आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना है 1.4 mm इसकी बैक बनती है, इसकी जो बैक है इसकी। अच्छा अब दोस्तों इसकी बात आती है, इसका जो पांचवा पॉइंट है वो है इसका होल। जो सर्कलिप के अंदर जो होल होते हैं ना, प्लायर प्लायर से प्लायर लगा के जिससे इसको खोला जाता है, तो इसकी भी होलों की भी काफी बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि जब भी हम प्लायर यूज करते हैं ना, प्लायर हम हमेशा इसके होल के हिसाब से होते हैं। और छोटा पीस है, छोटे पीस में बड़ा होल बना नहीं सकते। तो इसमें भी एक स्टैंडर्ड है होल होल का भी, कि कितने बड़े होल रखने चाहिए।
7 mm के सर्कल के होल के बारे में बताऊंगा कि होल कितना होना चाहिए इसका। इसका होल होना चाहिए दोस्तों 1.2 mm। इसके जो होल की जो चौड़ाई है वो 1.2 mm का होल होगा। इससे हम ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके जो लक्स है ना वो लक्स थोड़ा सा बड़ा होता 7 mm का। ये तो मेरे ड्राइंग किया है तो तब आपको ये ऐसा लग रहा है कि लक्स के हिसाब से ये होल छोटा, नहीं तो अगर ये 7 mm के हिसाब से लेते ना तो ये काफ़ी बड़ा होल हो जाता इसके हिसाब से। तो 7 mm के लॉक का जो अपना होल है वो 1.2 mm बैठेगा। अब इसका जो छठवां जो पॉइंट है दोस्तों वो है पार्टिंग। जो आप दोनों लक्स के बीच का जो गैप देख रहे हो ना इसको बोलते हैं पार्टिंग। और पार्टिंग कितनी रखी जाए ये भी एक इसका स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं कि इसके स्टैंडर्ड को काफ़ी लोगों ने बिगाड़ दिया। बिगाड़ क्या दिया, चाइना वालों ने ना अपने सर्कलिप में इसके स्टैंडर्ड को बिगाड़ दिया। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड जो है ना वो इंडियन स्टैंडर्ड आज भी फॉलो करती है। बड़ी बड़ी कंपनियां ना इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सर्कलिप लेती हैं, चाइना स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं लेती क्योंकि उनका तो बहुत काफ़ी चौड़ा गैप है, उसके नुकसान बहुत हैं। लेकिन वो कुछ टेक्निकल बेनिफिट के लिए ना चाइना वालों ने इसके गैप को ना बढ़ा दिया है। तो इसकी जो पार्टिंग है, पार्टिंग दोस्तों इसकी होगी कितनी होनी चाहिए पार्टिंग। यदि इसकी थिकनेस 0.8 है तो इसकी थिक पार्टिंग होगी 0.70। ध्यान रखना जो सर्कलिप की जो एक्चुअल जो मोटाई है ना, मोटाई से थोड़ी सी कम रहती है इसकी पार्टिंग। इसका जो गैप है वो होगी 0.70। तो इससे ज़्यादा हम इसको बढ़ा नहीं सकते। तो ये दोस्तों आज आप समझ ही चुके होंगे कि जो अपना 7 mm सर्कलिप की पूरी ड्राइंग जो है और इसके हर एक एक पार्ट को कितनी कितनी नापतोल दी गई है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मैं आपसे विदा लेता हूं अपने नेक्स्ट सर्कलिप पॉइंट के वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।